गिनती अध्याय 6:24-26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। भजन संहिता अध्याय 139:13-16। तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी देह तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। इफिसियों अध्याय 2:10। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यर्मिया अध्याय 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यूहन्ना अध्याय 16:21। जब स्त्री जनने लगती है तो उसे शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। भजन संहिता अध्याय 91:16। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता अध्याय 118:24। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। यर्मिया अध्याय 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। नीति वचन अध्याय 9:11। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे।